नमस्कार, आज हम लोग अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अवकलन के सूत्र, तो सबसे पहले बीजगणितीय फलन का अवकलन कैसे होता है, उस पर कौन से सूत्र होते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, बीजगणितीय फलन, इनको एलजेब्रिक एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक ना। तो पहला डी बाई डी एक्स, यक्स के घात एन, अगर यक्स के घात एन को अवकलन करना हो यक्स के अनु यक्स के सापेक्ष में, तो इसका क्या सूत्र होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक ना। फिर दूसरा डी बाई डी एक्स, यक्स का अगर करना हो तो इसका वन होता है। फिर थर्ड डी बाई डी एक्स, अगर सी का करना हो, सी का मतलब कोई अचर पद हो, तो इसका अवकलन जीरो होता है, ठीक ना। जैसे अगर डी बाई डी एक्स अगर किसी टू का करना हो तो इसका आंसर जीरो होता है, ठीक ना। अब त्रिकोणमितीय फलन देखते हैं। त्रिकोण मितीय फलन, तो त्रिकोण मितीय फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले साइन का देखते हैं, डी बाय डी एक्स साइन एक्स, तो ये जाएगा कॉस एक्स। फिर कॉस का देखते हैं, अगर कॉस का हो तो माइनस साइन एक्स, और इसी प्रकार टेन एक्स का देखते हैं, टेन एक्स तो होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। फिर डी बाय डी एक्स, और अगर सेक का देखते हैं पहले सेक एक्स, तो होता है सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक ना। फिर कॉट का देखते हैं, डी बाय डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाय डी एक्स कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक ना। ये त्रिकोणमितीय फलन हो गए। अब घातांकीय फलन को देखते हैं, तो घातांकीय फलन होते हैं, घातांकीय फलन इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसमें होता है पहले डी बाय डी एक्स ए के पावर एक्स, अगर इसका करना हो तो होता है ए के पावर एक्स लॉग ए और ई बेस पर, ठीक ना। इसी प्रकार डी बाय डी एक्स ई के पावर एक्स, तो इसका होगा ई के पावर एक्स लॉग, ठीक ना। देखिए लॉग ए है तो लॉग ए, लॉग यहाँ ई है तो लिखेंगे ई, और ये ई बेस पर ही होता है, तो चूंकि बेस भी ई है इसलिए इसका वैल्यू वन होता है, तो इसकी वैल्यू वन होती है तो सी ई के पावर एक्स, इसका वैल्यू वन होने कारण ई के पावर एक्स हो गया, ठीक ना। अब लघु गणकीय, लघु गणकीय
फलन, ठीक ना, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन तो ये होता है, इसमें एक होता है d बाय डी एक्स लॉग एक्स, ठीक ना, तो लॉग एक्स का होता है एक बटे एक्स, ठीक ना। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को देखते हैं, प्रतिलोम या लिखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, त्रिकोण मितीय फलन, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। d by dx sin inverse x, ठीक ना, sin inverse है ये, sin inverse, तो इसका होता है एक बटे कर्णी में एक माइनस x स्क्वायर। फिर cos का देखते हैं d by dx cos inverse x बराबर माइनस एक बटे कर्णी में एक माइनस x स्क्वायर। फिर टेन का देखते हैं टेन इनवर्स एक्स, तो इसका एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट का देखते हैं डी बाय डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका आता है वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी बाय डी एक्स sec x, sec इनवर्स x, तो इसका होता है एक बटे मॉड ऑफ a कर्णी में x स्क्वायर माइनस एक। और अंत में होता है एक cosec x का भी देख लेते हैं, cosec इनवर्स x, तो इसका होता है माइनस एक बटे मॉड x कर्णी में x स्क्वायर माइनस एक। तो ये हो गया, आज हमने अवकलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा। अगले वीडियो में हम समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।